नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा वर्मा। यह तो होना ही था, बहुत कुछ बयां करती है फेम इंडिया की रिपोर्ट, बस देखते जाइए। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये कुछ खास नया नहीं है। फेम इंडिया की रिपोर्ट में भी उनकी उन खूबियों का जिक्र है जिनके नाते वह मुख्यमंत्रियों में सिरमौर चुने गए हैं। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। क्या कहती है फेम इंडिया की रिपोर्ट? रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में योगी जी सबसे लोकप्रिय सीएम चुने गए हैं। अपनी ईमानदार छवि, कठोर निर्णय लेने की क्षमता तथा बुलंद इरादे की वजह से वह देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बने हैं। समग्रता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही नंबर 1 हैं। मसलन लोकप्रियता में मोदी जी के बाद योगी ही हैं। इस सूची में देश के कुल 8 मुख्यमंत्री शामिल हैं। टॉप 10 में 6 नंबर पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और 10 नंबर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन 12वें, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल 13वें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17वें, गोवा के प्रमोद सावंत 30वें और पंजाब के अमरिंदर सिंह 31वें नंबर पर हैं। पहली बार में ही हासिल किया मुकाम। खास बात यह है कि योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। यह उपलब्धि उनको अपने पहले ही कार्यकाल में ही मिलना खुद में खास है, जबकि नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन और अमरिंदर सिंह कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दरअसल आगे रहना उनकी आदत है। उनकी अब तक की बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि यह तो होना ही था। उनके नाम के तमाम रिकॉर्ड्स इसके सबूत हैं। मसलन 30 अक्टूबर 2019 को इंडिया टुडे ने अपने अंक में उत्तर भारत के जिन दिग्गजों की सूची प्रकाशित की थी उसमें राजनेताओं की श्रेणी में वो नंबर 1 थे। करीब 2.5 दशक पहले जब वह उत्तर भारत की प्रमुख पीठों में शुमार गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बने, तभी इंडिया टुडे ने उनको देश के सबसे रसूखदार लोगों में शामिल किया। इसके बाद से तो उनके नाम रिकॉर्ड जुड़ते गए। योगी जी के नाम कुछ और रिकॉर्ड। 1998 में जब वह पहली बार सांसद चुने गए तब वह सबसे कम उम्र के सांसद थे। 42 की उम्र में एक ही क्षेत्र में लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री बनने के पहले सिर्फ 42 वर्ष की आयु में एक ही सीट गोरखपुर सदर से लगातार 5 बार चुने जाने वाले देश के इकलौते सांसद। मुख्यमंत्री बनने के बाद से कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड बना है। यकीनन फेम इंडिया के रिकॉर्ड के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इसके लिए वह लगातार और अथक परिश्रम करते हैं।